The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, lungs ki bimari, pefdo ki bimari, one of the most important bimariyan jo commonly dekhi jati hai duniya mein, that is emphysema. Emphysema क्या होता है? जी हाँ, कई लोगों को नहीं पता होगा और हमने ऑल दो लंग की बीमारी वाले कॉमन वीडियो में समझाया था कि लंग के अंदर जो सांस की नलियां हैं उनमें बीमारी हो सकती है, जो लंग के एल्वियोलाय है उनमें बीमारी हो सकती है. सो यहाँ पर जो एल्वियोलाय हैं, लंग के अंदर जो सैक्स हैं, एयर सैक्स हैं, उनके अंदर बीमारी हो रही है एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा एक तरीके की COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर. आजकल के धुआंधार मौसम में, पॉल्यूशंस में, स्मोकिंग करने वालों में, बहुत ज़्यादा चूल्हा फूकने वालों में ये बहुत कॉमनली देखी जाती है. अब होता क्या है इसमें, एम्फाइसीमा में जो एयर सैक है, जो आपके लंग्स के अंदर फेफड़े फूफूले हैं, वो डैमेज हो जाते हैं. वो या तो डैमेज हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि जो उनका काम है कि ऑक्सीजन आपके खून के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेना, वो नहीं हो पाता. सो इससे क्या होगा, जितना आपके लंग्स के अंदर लाखों एल्वियोलाय हैं, लाखों में कई सारे हजारों डैमेज हो जाएंगे तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी. सो आपको सांस फूलने लगेगा. सो ये एक रीज़न है. साथ में आपको खांसी आने लग सकती है, क्रोनिक कफ. सो एम्फाइसीमा में आपको कफ होगा, सांस फूलेगा और ब्रीदिंग ट्रबल होगी एक्सरसाइज के दौरान, बिल्कुल जैसे कई लोगों को होती है ब्रीदिंग ट्रबल एक्सरसाइज के दौरान. सबसे कॉमन कारण इसका है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू. जी हाँ, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू एंड पोल्यूशन, वेरी बिग रीजन. सो जैसे ही आप अगर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू छोड़ दोगे, आपका प्रिवेंशन हो जाएगा. सबसे बड़ा प्रिवेंशन है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू छोड़ देना, पोल्यूशन से बचना, मास्क पहनना, दैट इज द बिगेस्ट प्रिवेंशन फॉर एम्फाइसीमा. अगर ऑलरेडी एम्फाइसीमा हो चुका है सो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अगर आप ये सब छोड़ दोगे. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ऑलरेडी एल्वियोलाई डैमेज हो रहे हैं, हो चुके हैं. सो एक बार डैमेज हो गया तो डिपेंड करेगा डैमेज माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है. माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, उसके ऊपर कि क्या इलाज है. माइल्ड डैमेज में आपको सिम्टम्स में इनहेलर्स दिए जा सकते हैं, और अगर मॉडरेट सिवियर है तो ऑक्सीजन मेडिकेशंस चलती है. सिवियर केसेस में कुछ कई बार सर्जरी, ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है सिम्टम्स रिलीव करने में और कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने में. कई बार लंग्स के एल्वियोलाय एक साथ फूट फाट के बड़ा सा गोला भी बन जाता है, कई बार वहाँ पर हवा भर जाती है लंग के एक हिस्से में, लंग कभी कभी कोलैप्स भी हो जाता है. सो ऐसे में लंग फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री, राइट, एंटी ट्रिप, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जैसे टेस्ट किए जाते हैं, और उसके साथ ऑक्सीजन थेरेपी बहुत ज़रूरी हो जाती है. ऑक्सीजन, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ पार्ट आपके लंग्स का ऑक्सीजन रिप्लेस नहीं कर पा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से खून में, तो आपको ऑक्सीजन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. और ऑब्वियसली हेल्दी लाइफ जीनी जीनी बहुत ज़रूरी है. एक तरीके से आपके लंग्स के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, क्योंकि कुछ एल्वियोलाय जो छोटे छोटे फूक गए होने चाहिए तो बड़े बड़े हो गए हैं, या एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके बड़ा हो गया है, फूक गया है. सो दिस इज एम्फाइसीमा. इसके साथ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी, रेगुलर हेल्थ चेकअप करने, एक्सरेज, लंग फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रेगुलर करना, और अपनी पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज द बेसिक अबाउट एम्फाइसीमा. आई होप यू अंडरस्टूड एंड प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू हैव. ऑलराइट.